आइए आपको अब हम समझाते हैं यूपी में दलित वोट बैंक का सियासी समीकरण आखिर क्या है, जिसके लिए अंबेडकर पर सब अपना दावा ठोकते हैं। दरअसल यूपी में दलितों की अगर हम आबादी की बात करें तो लगभग 21.5% है। 21 से 22 फीसदी में सबसे बड़ी संख्या जाटव की है। जाटव मतदाता करीब 14% है। यूपी में जो दलितों की उपजाति है वो है 66। साथ ही आपको यह भी बता दें कि देखिये 42 जिलों में दलितों की संख्या 20% से ज्यादा है। विधानसभा की 85 ऐसी सीटें हैं जहां दलितों के लिए ये सीटें रिजर्व है। तो कुल मिलाकर ये रिजर्व सीटों का जब जिक्र आया है तो ये आपको जानना चाहिए इन 85 रिजर्व सीटों के बारे में भी। 2012 की हम बात करें तो सपा को 31.5% वोट मिले थे इन 85 रिजर्व सीटों में। बीएसपी को 27.5% वोट मिले 2012 में, 15 सीटें जीती। बीजेपी को महज 14.4% वोट मिले, 3 सीट बीजेपी जीती। अब 2017 में विधानसभा चुनाव हुए तो उस पर भी आप देखें, ये 69 सीटें जिस पर बीजेपी ने जीत जीती। और साथ ही सपा को यहाँ पर 19.3% वोट मिले, 7 सीट समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीती। बीएसपी सिर्फ 2 सीट जीत पाई यहाँ पर। 2017 का भी ये इस वक्त हम आपको समीकरण दिखा रहे हैं कि क्या बना और किस तरह से जरूरी है ये जो दलित वोट बैंक है जिस पर हर किसी की नजर है, इसको ही हम आपको इस वक्त शेयर कर रहे थे। तो ये जरूरी इंफॉर्मेशन जो इस वक्त आपके लिए जानना बेहद जरूरी थी, और इसीलिए जरूरी यही था कि देखिए कि हर कोई साधने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ दलित चिंतक हैं प्रोफेसर रविकांत, उनका भी रुख करते हैं। विशाल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि प्रोफेसर रविकांत, मैं आप ही की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। आप देखिए जरा, आज बसपा की तरफ से भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, उधर बीजेपी भी इस मौके को बेहद खास बनाना चाहती है। इन सभी चीजों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या वाकई ऐसा है कि दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बाबा साहब की 131वीं जयंती पर तमाम देशवासियों को, आप सबको बहुत बधाई देता हूं और बाबा साहब को नमन करता हूं। पहली बात यह है कि अगर 20वीं शताब्दी गांधी और नेहरू की थी तो 21वीं शताब्दी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। और इसलिए है कि जो संवैधानिक मूल्यों की जो बात की गई थी, समता, न्याय और बंधुत्व खास करके, उनकी आज बेहद ज्यादा जरूरत है। लेकिन इसके अलावा सवाल यह है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कि दलित एक वोट बैंक के रूप में रह गया है, और यही कारण है कि दलितों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए केवल प्रतीकों की राजनीति हो रही है। और वो प्रतीकों की राजनीति आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा बसपा सुप्रीमो जो मायावती कर रही है, वो भी एक किस्म से बाबा साहब को नमन करते हुए श्रद्धांजलि तो दे रही है, लेकिन बाबा साहब के मूल्यों को, उनके विचारों को उन्होंने भी लगभग बिसूर दिया है। तो इसलिए जो 21% आबादी है उत्तर प्रदेश की, वो आज एजेंडा विहीन हो गई है। आप पिछले चुनाव को देखिए, पहली बार ऐसा हुआ था 3 दशक में कि जब उत्तर प्रदेश से राजनीतिक एजेंडे के रूप में दलित गायब हो गया था। उसके उत्पीड़न के सवाल, उसके आरक्षण के डायलूजन के सवाल, या उसके महिलाओं के अत्याचार के सवाल, उनके स्वाभिमान और सम्मान का सवाल, ये सवाल राजनीतिक विषाद से गायब हो चुका था और केवल रह गया था कि कैसे हम उनको लुभा करके, कैसे उन प्रतीकों को सामने ला करके उस वोट बैंक को अपने पक्ष में करें जिसकी कामयाबी। ठीक है, तो ये तो सियासत की बात हो गई, लेकिन ना आपसे मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों से शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, चाहे आरबीआई के गठन को लेकर हम बात कर ले, अनुच्छेद 370 को लेकर हम बात कर ले, या इसके अलावा जिस तरह पहले काम के घंटे 14 हुए करते थे, 8 घंटे करवाने में अहम भूमिका उनकी रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उनकी जो हमेशा से याद रहेंगी आने वाले वक्त में, पीढ़ियों को उनसे बहुत सारी ऐसी सीख है जो हमेशा लेनी भी चाहिए। मैं आपसे चाहती हूँ कि आप दर्शकों से शेयर करें कुछ और उनकी अहम बातें। बहुत सही बातों की तरफ आपने ध्यान आकर्षित किया है। बाबा साहब जब श्रम मंत्री थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उस समय उन्होंने मजदूरों के काम को लेकर के, उनके घंटों को लेकर के एक बड़ा सुधार किया था, और उसके बाद जब आजादी मिलती है तो एक बड़ा सुधार या उसका प्रयास सबसे पहले तो कॉमन सिविल कोड के रूप में, और जब उसमें सफलता नहीं मिलती है संविधान सभा को, तो हिंदू कोड बिल के रूप में जो उन्होंने बिल पेश किया था, और उसके बाद बाबा साहब ने जो इस्तीफा दिया था वो स्त्रियों के अधिकार से जुड़ा हुआ था। वो सिर्फ हिंदू समाज से नहीं था, बल्कि समूचे भारत की तमाम स्त्रियों के अधिकारों
खास करके उनके संपत्ति के उत्तराधिकार और उनके विवाह और तलाक के कानून को लेकर के था। तो बाबा साहब पूरे तमाम समुदायों के साथ, जो हाशिए के समाज है, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, महिलाएं हो या अल्पसंख्यक समाज हो, उसके समता और न्याय के लिए और समूचे भारत में बंधुत्व की भावना पैदा करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे। उन्होंने संविधान सभा में जिस चुनौती को, मैं उनके आखिरी भाषण को याद करना चाहता हूं, जिसमें कहते हैं कि आज हम राजनीतिक रूप से तो एक हो रहे हैं, माने एक वोट सबका अधिकार है, चाहे वो पूंजीपति हो, चाहे मजदूर हो, चाहे जमींदार हो, चाहे किसान, सबका एक राजनीतिक अधिकार है, लेकिन अभी सामाजिक और आर्थिक आजादी हासिल नहीं हुई है। पर सामाजिक और आर्थिक समता का सवाल अभी बाकी है, और अगर इस सवाल पर आने वाली सरकारें ध्यान नहीं देती हैं तो लोकतंत्र बेमानी हो जाएगा। साथ ही साथ मैं एक बात और जोड़ूंगा, 1 जून 1952 को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने जब बाबा साहब को डॉक्टर ऑफ लॉ की मनद उपाधि दी थी, उस समय जो शब्द इस्तेमाल किया था कोलंबिया विश्वविद्यालय में, उसमें से दो शब्दों पर मैं ध्यान दे रहा हूं। उन्होंने कहा था कि ये वो डॉक्टर अंबेडकर हैं जो सिर्फ संविधान शिल्पी ही नहीं है, वो अग्रणी नागरिक और मानव अधिकारों के एक साहसी समर्थक हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या आज देश में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा हो रही है? क्या मानव अधिकारों को लेकर के इस देश की पूरी राजनीति और सियासत पर सवाल नहीं खड़ा हो रहा है? तो बाबा साहब के मूल्यों को लेकर के हम कहां पहुंच रहे हैं? केवल उनके चित्र पर माल्यार्पण करके अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेंगे, यह मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तो तब होगी जो उन्होंने, उनके जो विचार थे, खास करके वैज्ञानिक सोच और लोकतांत्रिक मूल्यों। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपने अभी यहाँ पर बताई हैं दर्शकों को, जो सभी को जाननी भी चाहिए।